दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब एक ओर जहां भाजपा आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख रही है। इसी बीच लोगों के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद और जब वे जेल भी चले गए हैं, तिहाड़ जेल में अभी अरविंद केजरीवाल बंद हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद राघव चड्ढा अब तक किसी प्रोटेस्ट या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दिखाई नहीं दिए हैं, ये एक बड़ा सवाल उठा है। यही सवाल आज सौरभ भारद्वाज से एक रिपोर्टर ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि आप बात कर रहे हैं दूसरे कतार के नेताओं की, तो अतीशी और सौरभ तो ठीक हैं, लेकिन राघव चड्ढा कहाँ हैं? यह पूछे जाने पर आप नेता व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह कहीं भी हैं, जेल में नहीं हैं। चड्ढा को लेकर अटकलों की बात पर उन्होंने कहा कि चड्ढा हमारे साथ हैं, इसीलिए ही वो जेल जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो भाजपा उन्हें कहीं का मुख्यमंत्री या अन्य किसी पद के लिए घोषित कर चुकी होती। गोवा चुनाव में मिले 80 लाख के कैश ट्रांजैक्शन के जांच एजेंसी के दावे पर उन्होंने कहा कि यह सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों के लिए डूब मरने वाली बात है। दोस्तों, सौरभ ने आगे कहा कि इतना पैसा तो आजकल लोग शादी ब्याह में खर्च कर देते हैं, ये रकम चुनाव के लिहाजे से कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि सीएम की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे हैं, चुनावी माहौल है, इन सब के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या कुछ गेम बदलने वाला है? क्या कुछ बैकग्राउंड में षड्यंत्र चल रहा है? इन सब के पीछे आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, ये हमें कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।